नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों से करेंगे बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए थे पुरस्कार। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का 3 दिन का भारत दौरा आज से होगा शुरू। दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली नगर निगम में निर्वाचित पार्षदों को दिलाई जा रही है शपथ। मेयर और उपमेयर का आज चुनाव। 6 जनवरी को चुनाव के दौरान हंगामे के कारण नहीं चुने जा सके थे मेयर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का किया परीक्षण। भारत में सशक्त स्वदेशी आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर किया जा सकता है इंस्टॉल। यूजर्स की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रखेगा ध्यान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक और डिजिटल पहल। कोविन के बाद सरकार ने लॉन्च किया यूविन। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू। 11 जनवरी को देश के 65 जिलों में किया गया शुरू। अमेरिका में एक बार फिर हुई गोलीबारी। कैलिफोर्निया में गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज। सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर जाने के इरादे से उतरेगा भारत। हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से, वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1,00,000 रूपए नगद प्रदान किए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मजबारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में उन्हें बधाई देंगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर चुनिंदा युवाओं से बातचीत की। पीएम ने युवाओं के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सुझाव दिया कि वे ऐतिहासिक शख्सियतों की जीवनी पढ़ें, जिससे उन्हें इन लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में पता चलेगा। इस बातचीत के दौरान युवाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का विशेष अवसर मिलने के बारे में अपनी उत्सुकता साझा की। युवाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें विविधता में एकता को समझने का भी अवसर प्रदान किया है। पीएम से बातचीत करने वाले इन 80 युवाओं को देश भर से चुना गया था। इनका चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए हुआ था। इन्हें अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत चुना गया था।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आज अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली परेड में मिस्र की सेना का एक दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। राष्ट्रपति सीसी का ये दूसरा भारत दौरा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है, जिसमें 5 मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल राष्ट्रपति सीसी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उनके लिए राजकीय भोज का भी आयोजन होगा। इस दौरे पर राष्ट्रपति सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा परस्पर सहयोग के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को देखते हुए इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है और बेहद महत्वपूर्ण है जो दोस्ती है दोनों देशों के बीच में, उसे देखते हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे और सबकी नजर इस पर, क्योंकि राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा भी बढ़ाएंगे। और पहली बार ये हो रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। तो अपने आप में दिखाई दे रहा है किस तरह से एक नई इबारत लिखते दोनों देश। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी, तो साझेदारी की किस तरह से नई मिसाल होती है ये देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत का कार्यक्रम है और इस बातचीत के अलावा कारोबारी समुदाय के साथ भी बातचीत होगी मिस्र के राष्ट्रपति की। और कई क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण है, कृषि, साइबर स्पेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना है, कुछ समझौते भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति के साथ 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, तो कारोबारी क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण बातचीत। भारत और मिस्र के बीच समय परीक्षित साझेदारी और मजबूत और गहरा होने की उम्मीद है। जी हाँ, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में और विविध क्षेत्रों में उसके और ज्यादा मजबूत होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि भारत भी मिस्र के साथ अपने संबंधों का और ज्यादा विस्तार करने का इच्छुक है। और इसकी वजह यह है कि अरब जगत के साथ साथ अफ्रीका और मिस्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें अफ्रीका और यूरोप की, तो इनके बाजारों के लिए अगर मिस्र को हम देखें तो भारत के लिए एक प्रमुख ये प्रवेश द्वार है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति इससे पहले भी 2 बार भारत की यात्रा पर आ चुके हैं और इस यात्रा में अक्टूबर 2015 में 3रे भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में वे भारत आए थे। इसके अलावा भी सितंबर 2016 की बात करें तो सितंबर 2016 में भारत के राजकीय दौरे पर आए थे और इस बार के दौरे से भी काफी उम्मीदें हैं। भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इसे देखते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2022-23 में भी G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र अतिथि देश के रूप में आमंत्रित है, तो मिस्र का जो महत्व है भारत के लिए अपने आप में इसको दिखाता है और बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है और ज्यादा जानकारी के लिए। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, अमृत से हम बात करेंगे लेकिन आपको सीधे लिए चलेंगे, अमृत के पास हम आपको ले चलते हैं और अमृत से बातचीत करते हैं। अमृत, बेहद महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है अगर मिस्र के राष्ट्रपति के इस बार के दौरे को देखते हैं, किस तरह से दोनों देश सहयोग की एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं? ये दौरा दो पहलू से अहम है। एक बायलैटरल लेवल पर आप अपना रिश्ता इजिप्ट के साथ बढ़ाना चाहते हैं, आपका ट्रेड रिकॉर्ड हाई पे है, करीब 7.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड पिछले साल हुआ है, उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपकी साझेदारी काफी डाइवर्स क्षेत्र में है, कृषि में है, ऊर्जा में है, रक्षा क्षेत्र में है, सिक्योरिटी में है, टेक्सटाइल्स में है, इंडस्ट्री में है,
तो उस जो एम्बिट है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं और अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को आप आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने जो आप देखें जो इजिप्ट से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ रिश्ता स्ट्रेटेजिक लेवल तक अपग्रेड करने की बात कह रहे हैं और हो सकता है कि इस विजिट के दौरान ऐसे दस्तावेज पे हस्ताक्षर हो। जब कल राष्ट्रपति सीसी और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे तो उसके बाद कुछ अग्रीमेंट्स 6-7 अग्रीमेंट साइन होने की संभावना है जो डिफेंस और आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के लेवल पर साइन हो सकते हैं। दूसरा जैसे आप कह रही थी कि अरब का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है मिस्र, उसके साथ जब आप रिश्ते बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ इजिप्ट के साथ मिस्र के साथ ही नहीं पर अरब वर्ल्ड में एक दोस्त तलाशते हैं और उसको और अफ्रीका में एक्सेस तलाशते हैं क्योंकि गेटवे पे बैठा है अफ्रीका और यूरोप और अरब वर्ल्ड के इजिप्ट। स्वेज कैनाल इजिप्ट कंट्रोल करता है जो कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को रेड सी और मेडिटेरेनियन के साथ। तो आप अपनी ट्रेड का जो गेटवे है जो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ बढ़ाना चाहते हैं, अरब में आप स्ट्रेटेजिक लिहाज से दोस्त तलाश रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दो पहलुओं के हिसाब से ये जो विजिट है बहुत महत्वपूर्ण है। रमा बहुत शुक्रिया, अमृतपाल आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधे ले चलते हैं आपको केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड आई कैन अश्योर यू दोस्त हु कवर द जस्टिस डिपार्टमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑल आवर मीडिया फ्रेंड्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द एफर्ट्स व्हिच वी हैव पुट इन एंड आई कैन ऑल्सो अश्योर यू दैट इन द फ्यूचर वी विल डबल आवर एफर्ट्स सो दैट पीपल ऑफ इंडिया can have the faith in the system and we are here to do whatever is necessary and whatever is possible. We are working with the judiciary, we are working with the Supreme Court and High Court and these are combined efforts. One organ of the state alone cannot do everything, so it has to be a combined effort. I once again congratulate the awardees, our officers, and thank you for coming here. आप लोग मैं जो अपॉइंटमेंट और बाकी चीजों पे बात करेंगे तो आप लोग ये ई कमिटी का अच्छा काम आप लोग लिखेगा नहीं छापेगा नहीं, जो अच्छा काम हुआ है उस पर हम थोड़ा ध्यान दें और जो कंटेंशियस इश्यूज है उसमें भी चर्चा हो। लेकिन आज के दिन में मैं मानता हूं कि आप लोग से मेरा प्रार्थना है कि जो ई कमिटी ने इतना बढ़िया काम किया, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट को जो अवार्ड मिला है इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग छपा दीजिए, इसको थोड़ा सा बताइए। जहां तक टिप्पणी की है, जहां तक बहुत ही सीरियस जो रो का इंफॉर्मेशन, रो का इनपुट और आईबी का इनपुट को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पर टिप्पणी जरूर दूंगा, आज मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। इसलिए हमारे विभाग का जो अच्छा काम को आपके माध्यम से जनता तक कैसे पहुंचा ये मेरा प्राथमिकता है, मेरा चिंता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि सवाल जो है हमारा ई कमिटी और इस पे हम लोग रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आज के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। As well as RAW,
This has never been in the history of the appointments that the collegium makes it public, because it has been right from time immemorial, said thing that after independence, that the Secretary of Justice used to be actually Home Secretary. What is your view? Because you have now come out with your viewpoints have come out as well as RAW. Is this an acceptable norm? Where do you see this going? Because these are very sensitive matters which will affect the continuing. And you asked about all organs working together. First of all, let us not confuse ourselves, and I would like to make it very clear for you. I am not commenting, or nobody should make any kind of comment when it is a judicial order. Some people may say that certain remarks are made which compromises the independence of judiciary. So let us be very clear. When we are talking about appointment, the process, these are administrative matter. This is nothing to do with the judicial order and judicial pronouncement. I have heard and I have seen some statements and some tweets by some politicians and even some lawyers also, that making comments about the NJSC or MOP of the collegium system amounts to lowering the dignity of the Supreme Court. So please be clear, nobody in India says that he or she will defy the court order. You cannot say it. So the order of the bench is totally different, and the administrative process is altogether different. So there should be no confusion about it. ईकोट परियोजनाओं के पुरस्कार पर संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उसमें अपना संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईकोट प्रोजेक्ट है, परियोजनाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आने वाले समय में जो एफर्ट्स हैं उनको हम डबल करेंगे, जिससे कि जन जन तक न्याय पहुँच सके। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ROS की टेस्टिंग की। आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म टेंड्रिक ऑपरेशंस ने ROS नामक मोबाइल फोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लेकिन ROS भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ROS को कड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी ओएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। ROS एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। पीपल डोंट वांट एनी सिस्टम लाइक दिस टू सक्सीड, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस, वेरी परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन मेकिंग इट सक्सेसफुल। उस जर्नी के लिए इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह के तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीकों से सहायता करेंगी। इनोवेशन जो एकेडेमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी, रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे।
और आइए अब जानते हैं स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हर ओएस की खूबियों के बारे में, क्यों खास है ये, चलिए नजर डालते हैं इस मोबाइल ओएस को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म ने इसे विकसित किया है। इस ओएस को लेकर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है और भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा। ये ओएस हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है, ये इसकी खास बात है। इसके साथ ही इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन मिलता है। ये सिस्टम नो डिफॉल्ट ऐप्स के साथ आता है। वहीं यूजर्स को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनसे वे परिचित नहीं हैं या जिन्हें वे सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित नहीं मानते हैं। स्वदेशी ओएस यूजर्स को उन ऐप पर अधिक कंट्रोल देता है जो उनके डिवाइस में है। इसके साथ ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स का कंट्रोल ज्यादा होता है। हर ओएस संगठन विशिष्ट प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस से विश्वसनीय ऐप्स को ही एक्सेस देता है, तो अपने आप में बेहद खास है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इसे तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, स्वदेशी है ये सिस्टम, कई मायनों में अलग है, और जो ये कहा जा रहा है ये आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से, जब ये कहा जाता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, उनके कल्याण के लिए किस तरह से इसमें नई बातें शामिल की गई हैं, किस तरह से उनकी ये मदद करेगा? देखिए रमा, अभी अगर देखें दुनिया में दो तरह के सिस्टम हैं, एक तो iOS है और इसके अलावा एंड्रॉइड है, जिसके आधार पर जो हम फोन है या टैब है या लैपटॉप या बड़े बड़े जो कंप्यूटर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि संस्थानों की साइटें हैक हो जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं या कह सकते हैं कि सामरिक महत्व की कई सारी जो डाटा है उनके लीक होने का जो खतरा है वो बरकरार रहता है। लेकिन अगर इसे आप देखें बाहर ओएस, ये स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको हमारे आईआईटी मद्रास है, उन्होंने ही इसको डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डाटा पायरेसी की और ख़ास तौर से प्राइवेट की हम बात करते हैं कि डाटा हमारा प्राइवेट रहे, वो किसी के साथ साझा ना हो, उसमें सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि डाटा हमारे भारत में ही रहेगा, इसके जो सर्वर हैं वो बाहर नहीं होंगे जैसे दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनके सर्वर बाहर हैं। दूसरा, आम आदमियों के लिए ये इसलिए काम करेगा कि सबसे पहले इसका जो कमर्शियल जो यूज़ है वो शुरू होगा, जो हमारे यहाँ तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो इसका कमर्शियल जो यूज़ है वो शुरू करेंगी, और हमारे जो लोगों के जो डाटा हैं वो कम से कम सुरक्षित रह पाएंगे। और वो चाहे डाटा एक आम आदमी का हो या फिर खास आदमी का हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उसकी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे, तो उसमें एक जो बड़ी भूमिका है ये जो सॉफ्टवेयर है वो लगाएगा। आज इसका कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रायल किया गया और बातचीत खुद करी जो शिक्षा मंत्री हैं और आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने, और उम्मीद की कि आने वाले समय में भारत जिस तरीके से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर रहा है एक मील का पत्थर साबित होगा, और ऐसे ही तमाम इनोवेशन भारत के अंदर और भी देखने को मिलेंगे। रमा, बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से और इसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर का चुनाव है। इससे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप और बीजेपी के पार्षदों ने नारेबाजी भी की। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है।
देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के 2 जिलों में इस कार्यक्रम की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसे 11 जनवरी को 65 जिलों में शुरू किया गया। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और इसमें उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद उनके संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रहेगा। इससे घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता की जानकारी उपलब्ध होगी। इस तरह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्ड को रखने, टीकों की तारीख याद रखने और कतार में लगने जैसी परेशानियां जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएंगी। इससे टीकाकरण की अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकेगी। देश में पैक के तहत टीकाकरण रिकॉर्ड को अब तक मैनुअल रूप से रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा। इसके साथ ही पूरे टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण हो जाने के बाद लाभार्थियों को तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और वे इन्हें चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर्स में रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बेहद सरल शब्दों में कोविन के बाद यूविन, कितनी इसकी जरूरत थी और किस तरह से ये विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर जब महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, उसे लेकर मददगार साबित होने वाला है? देखिए, इसकी ज़रूरत थी और इसलिए भी कि हमने देखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका टीकाकरण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। करीब 5 से 7 साल तक उसकी टीकाकरण होता है और कई बार ये देखा गया है कि लोग भूल जाते हैं, कई बार माताएं भूल गई या उनके परिवार के सदस्य भूल गए कि अगला जो टीका है वो कब लगेगा। तो और अभी जो मैनुअल ही टीकाकरण का जो रजिस्टर पे जो स्वास्थ्यकर्मी थे नोट करते थे, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए पूरी तरीके से इसको डिजिटल किया गया है। जैसे कि हमने कोविड के समय में देखा था कि कोविन ऐप के जरिए जब आप टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपका पहला वैक्सीन लगता है, ठीक 28 दिन बाद जो दूसरा वैक्सीन का डेट आ जाता है और डेट जो दूसरा डेट आता है उससे पहले 2 दिन पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि इतने तारीख को आपको दूसरी डोज लेना है। ठीक उसी तर्ज पर ये यूविन काम करेगा कि मान लिया अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहला टीका कब पड़ा, उसके बाद जो भी आप मोबाइल से रजिस्टर करेंगे तो अगला जो टीका है कितने महीने बाद होगा वो आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी टीकाकरण की जो सरकार के जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसकी आपको रिकॉर्ड पहले से पता चलता रहेगा और इससे ये होगा कि बच्चा छूटेगा नहीं, उसके टीकाकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि आपके मोबाइल पे वो मैसेज आता रहेगा। तो डिजिटल हेल्थ की तरफ भारत बढ़ रहा है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जा रहा है और साथ ही साथ आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं और आपके मोबाइल पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हो रही है उसमें भी भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की है, उसमें डिजिटल हेल्थ भी एक प्राथमिकता है। तो अगर हम देखें कि भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एक भारत दुनिया को मॉडल के तौर पर भी दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम डिजिटल हेल्थ में आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के जो टीकाकरण है उसको भी हम एक ऐप के जरिए उसके डिजिटल रिकॉर्ड रखते हैं और जो भी माताएं हैं या फिर अभिभावक हैं उनको जो सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी उनका रहेगा। तो बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है ये। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 65 जिलों में इसको शुरू किया गया है, इसको एक तरह से स्टडी किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। अगर बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है तो पूरे देश भर में बाद में लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर काम करने के लिए एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार आयुष मंत्रालय IGDC के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये पर्यटक सर्किट की पहचान करेगा जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश है। आयुष मंत्रालय के सुझाव पर ITDC नॉलेज टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक विरासत स्थलों को शामिल करेगा और पर्यटकों के लिए उपयोगी फिल्म साहित्य की रचना करेगा।
केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की अध्यक्षता में G20 की हाल ही में संपन्न पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया था। चाहे हेल्थ इमरजेंसी हो या फिर आपदा से जुड़ी इमरजेंसी, इस तरह की किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा टीम का गठन किया जाएगा। इस तरह की देश में करीब 100 टीम बनाई जाएंगी। प्रत्येक टीम में करीब 10 से 15 प्रशिक्षित लोग होंगे। ये टीम कैसे काम करेगी और इसका ढांचा कैसा होगा, इसे लेकर राजधानी दिल्ली में 2 दिन का राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा टीम परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा टीम की शुरुआत की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसे लेकर नागरिकों को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीते 20 साल में कोई भी आपदा आई है उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस उपयोग हुई है, इसकी स्टडी करनी चाहिए और भारत को अपना मॉडल पेश करना चाहिए ताकि दुनिया हमारे मॉडल का अध्ययन करे। उन्होंने कहा कि दुनिया के बेस्ट मॉडल को अपनाते हुए अपने यहाँ के अनुभवों को शामिल करते हुए एक बेहतर रणनीति बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अपने तरह की पहली कार्यशाला है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में भारत ने G20 के लिए 3 प्राथमिकताएं तय की हैं। उनमें हेल्थ इमरजेंसी भी एक है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के बाद ही भारत ने भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा मॉडल का भी हमें स्टडी करना चाहिए और उसमें क्या बदल करके हमारे मॉडल में हम कन्वर्ट करें, उसमें अच्छी क्या चीजें हम ले लें। इस तरह से एक स्ट्रांग व्यवस्था हमारे यहाँ जो खड़ी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि नेशनल इमरजेंसी में हम हेल्थ की दृष्टि से एक अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। मेरी बहुत एक टीम से उम्मीद है। दुनिया हमारा मॉडल समय बदला है दोस्तों। आज तक हम ही दुनिया का मॉडल की स्टडी करते थे, अभी दुनिया रेडी है इंडिया के कोई भी मॉडल का की स्टडी करे। और बेटे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और नेवल ग्रुप फ्रांस कलवरी श्रेणी पनडुब्बी में स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के एकीकरण के लिए साथ मिलकर विस्तृत डिजाइन तैयार करेंगे। ये कदम रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहल है। भारत फ्रांस की साझेदारी के तहत तैयार किए जाने वाले इस डिजाइन से डीआरडीओ की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बनाए गए फ्यूल सेल आधारित एआईपी सिस्टम को आईएनएस कलवरी पर फिट करने योग्य बनाया जाएगा। एआईपी से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की मारक क्षमता पहले से कहीं अधिक घातक हो जाती है, क्योंकि इससे पनडुब्बी कई गुना लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। फ्यूल सेल आधारित एआईपी अन्य प्रौद्योगिकियों के मुकाबले अधिक कारगर है और इस मामले में सबसे अलग है कि इसमें ऑनबोर्ड हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई गई हैं।
ऐसी ही एक प्रदर्शनी मध्य प्रदेश में पाए गए डायनासोर के अवशेषों की है, जिसमें डायनासोर के करोड़ों वर्ष पुराने अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। भोपाल में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि 10,000 करोड़ साल से लेकर 6,500 करोड़ साल पुराने हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये फीमर यानी जांघ की हड्डी जो है बताई जा रही है डायनासोर की, साथ में ये जो अंडे हैं जो एग हैं डायनासोर के वो यहाँ पर रखे गए हैं। भार के पास इनकी खोज की गई थी। हमारे साथ विशाल वर्मा जी हैं जो कि इसके खोजकर्ता हैं और पूरा ये इसको मैनेज कर रहे हैं। बताएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये कौन कौन से फॉसिल्स हैं और कितने पुराने हैं ये। हाँ, ये लगभग 7 करोड़ साल पुराने लगभग जी। ये पेड़ों के जीवाश्म है। ये मंडला गुगा का जो फॉसिल है वो फूल देने वाली वनस्पति है। ये जो है बिना फूल के सीधे बीज देने वाली वनस्पति है जी। ये जो आप पीले रंग के फॉसिल देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं, ये एमोनाइट है, ये ऑयस्टर है, ये बाइवॉल्व है, ये सितारा मछली के दो रिश्तेदार हैं। सितारा मछली बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये एमोनाइट जिसको हम बोलते घोंगा, तो ये सब के सब ट्यूरेनियन काल के हैं। लगभग 8.9 करोड़ साल से लेकर 8.3 करोड़ साल के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं हरा पत्थर, इस तरह के हरे पत्थर, ये कैंपेनियन काल का है और इन पत्थरों के अंदर से इस तरह के दांत निकले हैं। ये सारे के सारे शार्क के दांत हैं, 6 तरह की शार्क के दांत इसमें आप देख सकते हैं। हर गोल चीज अंडा नहीं होती, उसके ऊपर जो छिलका मिलता हमको इससे पहचान होती कि कौन सा डायनासोर है। पहले बात डायनासोर है या नहीं है, और यदि है तो कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का है। और डायनासोर जो है एक साथ एक अंडे भी देता था और कई साथ कभी कभी 15-20 अंडे भी देता था। तो ये टाइटेनोसोर नाम का जो पर्वताकार डायनासोर होता था, ये उसका अंडा है। ये लगभग 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 6.5 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल पुराना ये जो डायनासोर का जो अंडा हम कह सकते हैं वो मेरे हाथ में इस वक्त है, जो काफ़ी भारी है। और ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि दुर्लभ चीज़ जो है ये यहाँ पर जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के आयोजनों में आम लोगों की भागीदारी इस साल के समारोह का प्रमुख विषय है। परेड में आम लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तैयारी के तहत कर्तव्य पथ पर बैठने के लिए 32,000 सीटें इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। वहीं सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन के निर्माण के लिए काम करने वाले श्रम योगी इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा सब्जी और दूध विक्रेता गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष आमंत्रित होंगे और गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य मंच के सामने बैठेंगे। श्रम योगीज ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा अलोंग विद देयर फैमिलीज आर इनवाइटेड टू विटनेस द परेड। मेंटेनेंस वर्कर्स ऑफ कर्तव्य पथ, also the workers who have contributed in making the new parliament building are being called. Vegetable vendors, milk boat workers, small grocery shopkeepers are also being invited, and they will be placed right in front of the dais along the main gallery from where they will be witnessing the parade. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर आज जम्मू में डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करती है, लेकिन उनमें कितने लोगों को मार गिराया इसका कोई सबूत नहीं है। तो इस बयान का विरोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव अमूल आज अपने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर रहा है। इसके लिए आज बोर्ड की बैठक हो रही है। आजादी के 75 वर्षों में देश ने ऑपरेशन फ्लड जैसी शानदार मुहिम का पेश गवा रहा है। जानकारी से भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति के बाद की सबसे सफल क्रांति कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आज के न्यूजलैंड में हम आपको बताएंगे क्या है अमूल मॉडल और क्या है ऑपरेशन फ्लड। देखिए रिपोर्ट। सात दशक पहले गुजरात में एक किसान का जीवन भारत में कहीं और के किसानों जैसा था।
उनकी आय लगभग पूरी तरह से मौसमी फसलों से प्राप्त होती थी। कहानी की शुरुआत गुजरात के चंद गांव और महज 275 लीटर प्रोसेसिंग प्लांट से शुरू हुई थी और अमूल यानी आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड ऑपरेशन फ्लड का ध्वजवाहक बना। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य दूध संग्रह में बिचौलियों के शोषण को दूर करना था और ग्रामीणों को दूध के लिए सर्वोत्तम लाभ देना था। 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी के दुग्ध उत्पाद सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। इसे गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया। इसका उद्देश्य जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए उचित विपणन सुविधाएं प्रदान करना था। में गांव से दूध लिया जाता था। दूसरा चरण दूध जिले के सहयोगी दुग्ध भंडार के पास जाता था। तीसरे चरण में वह दूध फेडरेशन तक पहुंचता था। पशुपालकों के उत्थान के लिए अपना पूरा अस्तित्व अर्पित कर देने वाले, दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए स्वयं को भुला देने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसानों और पशुपालकों के योगदान से दूध घी की नदियों को धरती में उतारने की संभावना देखने वाले डॉक्टर कुरियन ने भगीरथ प्रयत्न की अगुवाई की थी जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कार्यक्रम का पहला चरण 1970 से 1980 तक था जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने वित्त पोषित किया था। दूसरा चरण 1981 से 1985 तक था जिसमें उत्पादन वितरण में भारी वृद्धि हुई और तीसरा चरण 1985 से 1986 तक था जिसमें इस दौर में डेयरी सहकारियों का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ। ऑपरेशन फ्लड को 1996 में बंद कर दिया गया। भारत के अन्य हिस्सों में अमूल की सफलता को पहुंचाने की इच्छा पूर्ति के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। NDDB की स्थापना जुलाई 1965 में गुजरात के आनंद नामक स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना मिल्कमैन के उपनाम से प्रसिद्ध डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। अमूल के टर्नओवर की बात करें तो 1995 से 1996 में 101 करोड़ रुपए था। वहीं 2021-22 के आंकड़ों में इसका टर्नओवर 11,630 करोड़ रुपए को पार कर गया। अमूल के प्रतिदिन दूध उत्पादन की बात करें तो 2006 और 7 में 11.4 लाख प्रतिदिन का उत्पादन होता था। वहीं ये 2021-22 में 42 लाख प्रतिदिन को पार कर गया। अलग अलग लोगों के लिए अमूल का मतलब अलग अलग है। एक दुग्ध उत्पादक के लिए जीवन को समृद्ध करने वाला अनुभव है, एक उपभोक्ता के लिए स्वस्थ दूध होने का आश्वासन है, एक माँ के लिए अपने बच्चे के लिए पोषण का एक विश्वसनीय स्रोत है और देश को ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र उत्तर प्रदेश बना था। प्रदेश का कोई जनपद कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़कर भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प से ना जुड़ा हो। देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। प्रदेश का कोई जनपद कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अलग अलग तरह के अभियान चलाए जाते हैं। हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही, भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में
कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी के मुख से निकली ये पंक्तियां इस बात को चरितार्थ करती हैं कि सरकार की सभी योजनाओं में बालिकाओं का विकास कितना जरूरी है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देश में बालिकाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम भी अलग अलग होती है। आज भी कई स्थानों पर गर्भ में पल रही बच्चियों को जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है और दुनिया में बालिकाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कम उम्र में उनके शोषण पर रोकथाम और उनके स्वास्थ्य और समाज में उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक चेतना और सरकारी प्रयासों की वजह से आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। भारतीय समाज में आज से ही नहीं बल्कि सदियों से लैंगिक असमानता बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण शामिल है। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, बेटियों के प्रति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने का दिन। आइए हम सब मिलकर उन्हें पढ़ा लिखा कर समृद्ध बनाने का लें संकल्प। सही अर्थों में राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य तब हो पाएगा पूरा। आइए हम और आप मिलकर बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना का लें संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेजर प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों को लेकर सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास आज खेल की खबरों में? शुक्रिया रमा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज इंदौर में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए हैं। इस वक्त रोहित शर्मा 10 और शुभमन गिल 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज के मैच के लिए भारतीय टीम में दो परिवर्तन किए गए हैं। शामी और सिराज को आराम दिया गया है, उनके स्थान पर उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 56 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतकीय पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 111 रन ही बना सकी और 56 रन से ये मुकाबला हार गई। अब खबर हॉकी विश्व कप से जुड़ी हुई।
ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। दिन के पहले मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। भुवनेश्वर में होने वाला ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4 बजे से खेला जाएगा। दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से भुवनेश्वर में होगा। सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना का सामना लातविया की एलेना ओस्टापेंको और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेस की जोड़ी से था। ओस्टापेंको और हर्नांडेस ने मैच से हटने का फैसला किया, जिसके चलते सानिया बोपन्ना की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना रायबाकीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में रायबाकीना ने लातविया की एलेना ओस्टापेंको को 6-2 6-4 से हराया। कैरेन खेचानोव ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में खेचानोव का सामना अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा से था। 2 सेट जीतकर खेचानोव तीसरे सेट में भी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सेबेस्टियन को ये मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घटना उत्तरी कैलिफोर्निया के हाफ मून बे क्षेत्र में हुई है। कैलिफोर्निया की सैन मैचियो काउंटी के शेरिफ ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को आश्वस्त करते हुए बताया कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया में 2 दिन पहले चीनी नववर्ष के दिन हुई एक और गोलीबारी की घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के चुनाव के 1 साल बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग 25% कम हो गई है। कई चिलीवासियों ने देश की अर्थव्यवस्था संभालने को लेकर उनकी शिकायत की है, साथ ही अपराध पर सरकार के नरम रवैये को लेकर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। बोरिक के मंत्रिमंडल और युवा सुधारकों को अनुभव की कमी के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार चिली में 2022 में हत्याओं में 43% और अपहरण में 77% का इजाफा देखा गया। देश में हाल के वर्षों में संगठित अपराध में हुई ये बढ़ोतरी नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित बताई गई है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की और सैन्य सहायता देने को मंजूरी दी है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में यूक्रेन को 7वीं बार मदद देने पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि विदेश मंत्रियों ने 500 मिलियन के यूरो पैकेज के अलावा यूक्रेन को यूके सैन्य प्रशिक्षण मिशन के लिए 45 मिलियन यूरो के गैर अघातक उपकरण देने पर भी सहमति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी ने बैठक के दौरान यह साफ किया कि वो किसी भी देश को लैपर्ड टैंक की यूक्रेन भेजने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल करने की घोषणा की है। सरकार में मौजूद लोगों पर लग रहे रिश्वत लेने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के इरादे से कहा कि इन पदों पर 1 से 2 दिन के भीतर बदलाव किए जाएंगे। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार भेजने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की है। दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे लावरोव ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच के संघर्ष पर बात करते हुए कहा कि ये एक हाइब्रिड युद्ध ना होते हुए एक वास्तविक युद्ध जैसा ही है। अफ्रीकी महाद्वीप पर दक्षिण अफ्रीका रूस का बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले रूस को यूक्रेन से वापसी की बात कही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेदी पंडोर ने अपने ताजा बयान में कहा कि अब उनका ये मानना नहीं है। और रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ईरान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की।
इससे पहले उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद बकर कलीबाफ के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खास समझे जाने वाले वोलोजिन ने इससे पहले अपने ईरान दौरे पर चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का समर्थन दुनिया को एक भयानक युद्ध की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मारक हथियारों की आपूर्ति रूसी इलाकों के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक तबाही का कारण बन सकती है और इसके बाद सामूहिक विनाश के हथियारों को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तर्क अमान्य हो जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि किसी को पवित्र लगने वाली किताब को जलाना अपमानजनक है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है कि स्वीडन को अपनी सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि स्वीडन में 3 दिन पहले तुर्की और स्वीडन की नाटो सदस्यता के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद तुर्की के साथ उसके रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सहमति जरूरी है। और इसके साथ ही मिड प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।